वहीं प्रतापगढ़ जिले में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सतर्क दिख रहा है। तो वहीं धरियावत में से लगते जिले उदयपुर, इसी के साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में प्रशासन ने कड़ी नाकाबंदी की, जिले के बॉर्डर पर सख्त पहरा है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं प्रतापगढ़ जिले में कोरोना मामले पर अंकुश के बाद जिला प्रशासन अब और भी ज्यादा सतर्क हो चुका है। बात करें हम दरियावत की, तो दरियावत के समीपवर्ती जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ के साथ ही समीपवर्ती मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं में कोरोना संक्रमण ने अपने पांव पसार लिए हैं। एहतियातन के तौर पर दरियावत पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं इंडिया न्यूज राजस्थान हमारे तमाम दर्शकों तक आज ड्रोन द्वारा कुछ तस्वीरें पहुंचा रहा है। बात करें हम कोरोना संक्रमण को लेकर जहां प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट होता दिख रहा है, वहीं गौरतलब हो कि प्रतापगढ़ की जो कमान है वह महिलाओं के हाथ में है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल व जिला पुलिस कप्तान पूजा अवाना के नेतृत्व में जो है कोरोना संक्रमण पर अब तक प्रतापगढ़ जिले में अंकुश लगा हुआ है। वहीं प्रशासन ने आने वाले सभी मार्गों को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। वहीं लगातार लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। ड्रोन एक्सपर्ट हेमंत सालवी के साथ गिरीश पालीवाल, इंडिया न्यूज़, धरियावत।